हाँ रंगे पर रंगे पर। और अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में एक विचित्र प्रकार की भालू भटकता हुआ पहुंच जाता है। हम इसे विचित्र प्रकार की भालू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई भालू का बच्चा नहीं बल्कि एक वयस्क भालू है। ये भालू की सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है। हुआ कि आम निवासियों की तरफ से लगाए गए जाल पे वो भालू बुरी तरह से फंस जाता है। फिर वहाँ के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और फिर उस भालू का रेस्क्यू शुरू होता है। भले ही ये एक छोटी प्रजाति का भालू है लेकिन आखिरकार है तो ये एक खूंखार जानवर ही। उस भालू को रेस्क्यू करने के बाद वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस भालू को वापस जंगल ही छोड़ दिया जाए। लेकिन वो भालू इतना स्वस्थ नहीं था कि जंगल में जिंदा रह सके। फिर वहाँ के आम निवासियों ने सोचा कि जब तक ये भालू ठीक ना हो जाए उन्हें अपने पास ही रखा जाए और जब ये भालू ठीक हो जाए तो उसे वापस जंगल पे छोड़ दिया जाए। अब देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो इस भालू को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसे दूरी बनाए रखना भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी एक बार किसी को भी बुरी तरह से घायल कर सकता है। लेकिन यहाँ की आम निवासियों ने अपनी परवाह किए बिना इस भालू की रेस्क्यू किया और इसके जीवन के लिए संघर्ष किया। और कुछ दिनों बाद जब वो भालू पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था तो उसे वापस जंगल छोड़ दिया गया। इन बहादुर लोगों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि बाहर के लोग भी अरुणाचल प्रदेश के लोगों से ये सीख सके कि किस तरह से जानवरों और इंसानों के बीच तालमेल बनाया जा सकता है। हम इंसान हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करें। जानवरों को भी जीने का अधिकार है।